So guys, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 2019-2020 हर टाइप की हर मॉडल की हमारे पास नॉन सेकेंड हैंड गाड़ियां अवेलेबल मिलेंगी आपको। आपको अगर नॉन गियर में गाड़ियां चाहिए तो 10,000 डाउन पेमेंट पे आप इसे परचेस कर सकते हैं, आप इसको अपना बना सकते हैं। और गियर में अगर आपको चाहिए तो आपको गियर में 15,000 डाउन पेमेंट पे आप गाड़ियों को अपना बना सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और हमारे पास हर टाइप की गाड़ी अवेलेबल है। आप इवन कोई बुलेट लवर है तो बुलेट और KTM वो सब भी, स्पोर्ट्स बाइक भी हमारे पास अवेलेबल मिलेगी। देख सकते हो आप कि हमारे पास KTM भी अवेलेबल है और बुलेट भी अवेलेबल है और ये सारे स्टॉक अवेलेबल है हमारे पास विथ लोन फैसिलिटी एंड डिस्काउंटेड प्राइस में। उसके लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखो। हाय गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज मोहसिन शेख एंड यू आर वाचिंग मोहसिन शेख व्लॉग। तो आज मैं आ गया हूँ महाराष्ट्र मोटर्स में और मेरे साथ है वसीम भाई। और वसीम भाई, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। तो थोड़ा आपकी शॉप के बारे में बताइए कि इधर क्या मिलने वाला है। हमारे पास आपको नॉन गियर और गियर दोनों में गाड़ियाँ अवेलेबल मिलने वाली है, सेकेंड हैंड है। ओके, और इसमें एवरेज वाली और स्पोर्ट्स बाइक भी मिल जाएगी? गियर वाली गाड़ी में आपको एवरेज वाली भी मिल जाएगी। हाँ। एवरेज से लेके स्पोर्ट्स तक मिलेगी। अच्छा। और नॉन गियर वाली में आपको लेडीज जेंट्स हर टाइप के स्कूटीज अवेलेबल है हमारे पास। ओके, तो गाइस ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो वसीम भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी ओके, वेलकम टू महाराष्ट्र मोटर्स। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इतने गाड़ियां जो है हमारा कलेक्शन रखा हुआ है। अभी इतना जो हमारे पास दुकान में अवेलेबल स्पेस थी उसके इतना हम लोगों ने रखा है, बाकी का जो है बाहर है और वो हम आपको आगे की वीडियो में दिखाते हैं। ओके, तो वसीम भाई आप सबसे पहले किससे स्टार्ट कर रहे हो? आप जिससे बोलो। तो स्टार्ट करते हैं नॉन गियर से। ओके, देखिए हमारे पास नॉन गियर में आपको एक्सेस, एक्टिवा, इंटॉप मीन्स हर स्कूटी में हर एक चीज मिल जाएगी। अच्छा, मतलब नॉन गियर में जितनी भी वैरायटी होती है वो सब मिल जाएगी आपके पास। ओके, तो इसमें अभी आपके कलेक्शन में सबसे कम बजट में कौन सी अवेलेबल है? अपने पास जो भी है सब लो बजट में ही है। हाँ हाँ, इंटॉप है, एक्टिवा है, एक्सेस है। अच्छा, तो सबसे पहले एक्सेस बता दीजिए। देखिए एक्सिस में हमारे पास में दो टाइप की वैरायटीज आती हैं, एक ड्रम ब्रेक आती है, एक डिस्क ब्रेक आती है। ओके, ये डिस्क ब्रेक में हमारे पास कलर्स अवेलेबल है, व्हाइट, रेड एंड ग्रे। ग्रे, ओके, ये आप देख सकते हो कि साथ में ही तीनों खड़ी है, तीनों कलर वेरिएंट भी मिल जाएगा और ये आपको डिफरेंट वैरायटी में भी मिल जाएगा। तो इसके ये मॉडल्स बता दीजिए। ये सब जो है आपको 2019 का मॉडल है ये सब। अच्छा, 2019 का है। ओके, एंडिंग मॉडल्स है सब। अच्छा, सितंबर अक्टूबर टाइप। आप इनकी कंडीशंस देख सकते हो, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में अवेलेबल है, ना इस पे स्क्रैचेस है, ना कुछ डेंट वगैरह है। और इसका प्राइसिंग क्या आप कोट कर रहे हो? आपको ये सब 50 और 52 के रेंज में आ जाएगी। अच्छा, इसमें से कोई भी, ये तीनों भी आप जो बता रही हो 2019 का मॉडल है, करेक्ट? 2019 का मॉडल। ओके, तो गाइस आप कंडीशन देख सकते हो। और इसका वसीम भाई नंबर प्लेट नहीं लगा है? इसका नंबर प्लेट एक्चुअली इस पे वो स्टिकर आता है। अच्छा, और स्टिकर्स की दुकान है अभी, अभी इसलिए नहीं लगा, लेकिन पीछे साइड का नंबर प्लेट लगा हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट कौन सी बता रहे हो आप? आप इंटॉप देख लीजिए, ये भी स्कूटी में आती है, नॉन गियर गाड़ी है। हाँ हाँ, एवरेज में अच्छी खासी एवरेज देती है गाड़ी। और पावर भी है गाड़ी में, करेक्ट? और इसको अपन लेडीज भी यूज कर सकती है, जेंट्स भी यूज कर सकते हैं। अब तो वैसा कुछ रहा नहीं है कि लेडीज जेंट्स है, हर कोई कुछ भी यूज करता है। तो ये कब का मॉडल है? ये भी आपको 2019 सितंबर अच्छा, का मॉडल है, सितंबर का मॉडल है। और इसका क्या आपका आस्किंग प्राइस है? आस्किंग प्राइस मेरा 55 है। ओके, तो आप जो प्राइसिंग दे रहे हो वो बेस्ट प्राइस है? जी। ओके, फिर आपके पास एवरेज बाइक में कौन सी अवेलेबल है? एवरेज अगर आपको इस टाइम पे पेट्रोल की महंगा होते हुए पेट्रोल में चाहिए, हाँ हाँ, तो आपको सबसे एवरेज में ये गाड़ी मिलेगी, पैशन प्रो। वैसे इसका एवरेज क्या होता रहेगा? इसका एवरेज अप्रोक्स अपने को जाता है 55। अच्छा, 50-55 तक जाता है। ओके, आप देख सकते हो रेड कलर में अवेलेबल है। ये कब का मॉडल है? ये 2019 का मॉडल है। 2019 का मॉडल है, मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 1-2 ईयर्स ओल्ड अवेलेबल है। ज्यादा ओल्ड के पास अवेलेबल नहीं है। ओके,
वैसे इसका क्या प्राइस आप कोट कर रहे हो? इसका प्राइस हम 48 कोट कर रहे हैं। 48 ओके। और अब जो भी आपके पास अभी सेकेंड हैंड में बाइक्स एक्टिवा अवेलेबल है, इसके सबके पेपर क्लियर है? ऑल पेपर हमारे पास क्लियर मिलते हैं और इनके एनओसी और वो सब भी हमारे पास रहते हैं। ओके, मतलब जो भी इसके सब पेपर आते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, आपको हर गाड़ी में जो गाड़ी पे 5 साल का इंश्योरेंस रहेगा आपको पांच साल का इंश्योरेंस हम लोग देंगे। अच्छा, 5 साल का भी इंश्योरेंस किसका फील्ड है? ओके, फिर नेक्स्ट कौन सी बाइक बता रहे हो आप? ये देखिए, ये होंडा शाइन है, शाइन, ये इसमें डिस वाली है और ड्रम वाली है, दो टाइप की वेरियंट आते हैं, तो वो दोनों अवेलेबल है? दोनों अवेलेबल है। ओके, 2018 मॉडल है, वहाँ पे 2019 मॉडल खड़ी है। ओके, ठीक है, इसको जो है हम लोग कोट कर रहे हैं इस टाइम पे 53 में, लेकिन प्राइस निगोशिएबल है। हाँ हाँ, तो आप जो अभी प्राइस दे रहे हो और इसके बाद की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है आपकी? हमारे पास सेल सर्विस ऐसी है, हमारे साथ में जो कस्टमर एक बार जुड़ जाता है, हाँ हाँ, उससे हम लोग फीडबैक भी लेते रहते हैं। करेक्ट, और साथ में जो हमारे पास स्टॉक्स आते रहते हैं उसके अपडेट्स भी उनको देते रहते हैं। ओके, और जैसे कि अगर कस्टमर आपके पास से परचेस करता है, इनकेस उसको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि मोटर है ऑफकोर्स, और आपके आपके बाद से परचेस करने के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो? उसको अगर हमारे पास से परचेस करने के बाद कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर को 0% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग के पास वो 1 से 2 दिन में कभी भी आए, उनको जैसा फ्री लगे, सुटेबल टाइम लगे, कभी भी आए, हम लोग से कॉल करके हम लोग उनको जो भी उनके प्रॉब्लम से सॉल्व करके देते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप गाड़ी बेचने के बाद भूल जाते हो कस्टमर को? नहीं नहीं, हमारे पास जब कस्टमर आता है तो एक फैमिली के टाइप रिलेशन बन जाता है। ओके, जब भी आएगा हमारे पास उनके जो भी प्रॉब्लम रहेंगे हम खुद सॉल्व करके देते हैं। ओके, फिर आपके पास पल्सर में कुछ अवेलेबल है? जी, पल्सर 150 में है। हाँ हाँ, ये देखिए, ये जो पल्सर 150 का मॉडल है ग्रे में है, ग्रे में। ओके, 2019 मॉडल है ये भी 2019 विथ एबीएस है। एबीएस, यस। ओके, एंड बैग डिस में। अच्छा, इसका क्या प्राइस कोट कर रहे हो आप? इसका हम लोग प्राइस कोट कर रहे हैं 50,000। ओके, फिर नेक्स्ट कौन सी बता रहे हो आप? नेक्स्ट आप पल्सर में देख लीजिए, एनएस खड़ी है हमारी। अच्छा, NS 200 पल्सर की। हाँ हाँ, इसका जो है पल्सर 200 के साथ व्हाइट कलर में अवेलेबल है। हाँ हाँ, गुड कंडीशन है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, पल्सर ये कब का मॉडल है? ये भी 2018 का मॉडल है। 2018 का मॉडल है। ओके, तो इसका क्या कोट कर रहे हो आप? NS हम लोग 65 कोट कर रहे हैं। 65, ओके। वैसे अगर आपका शॉप का प्राइस और मार्केट का प्राइस कोट करेंगे तो कितना डिफरेंस आने वाला है प्राइस में? प्राइस में ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा। अच्छा, मार्केट का जो प्राइस रहता है वो हमारे से 5-10 हज़ार रुपए हाईएस्ट रहता है। ओके ओके, और फिर मेन आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि आपने बताया कि आफ्टर सेल सर्विस भी आपकी है जी। फिर नेक्स्ट आप कौन सी बाइक बता रहे हो? अब नेक्स्ट में होंडा सीबी शाइन का ही सेकंड मॉडल जो 2019 टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल्स में वो देख सकते हैं यहाँ पे, ये ड्रम ब्रेक में है। हाँ हाँ, अपने पास, ठीक है, ये 2019 मॉडल है। 2019 मॉडल है, ओके। इसका क्या कोड कर रहे हो? कलर वेरिएंट भी यहाँ पे अवेलेबल। अच्छा, कलर भी आपके पास ब्लू कलर में? जी, ब्लू कलर में। हाँ हाँ, मतलब आपके पास जैसे कि आपने एक्सेस में ही 3 कलर बता दिए हो, वैसे ही आपने शाइन में भी 3 कलर बता दिए हो, 2 कलर इधर था, आई गेस वो सेम कलर है। यस, ओके, और मॉडल अलग अलग है, अलग है, जो इसमें डिस्क ब्रेक है, इसमें ड्रम ब्रेक, ड्रम में। ओके, इसका दोनों का आप क्या प्राइस कोट कर रहे हो? इसका प्राइस दोनों का 2019 है। हाँ हाँ, 53 हम लोग कोट कर रहे हैं। 53, ओके। फिर आपके पास अवेलेबल है अपाची, तो अपाची के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये अपाची जो है 2017 मॉडल की अपाची है। हाँ हाँ, डबल डिस्क ब्रेक है आगे। ओके, से डबल डिस्क ब्रेक। हाँ हाँ, ठीक है, और इसका हम लोग जो है प्राइसिंग कोड कर रहे हैं 45। Yes. ओके, फिर आपके पास और कौन सा ऊंचा मॉडल में अवेलेबल है? ऊंचे मॉडल में ये एक्सेस है। हाँ हाँ, ये देखिए, 2019 की ब्लैक में, शाइन ब्लैक कलर। हाँ हाँ हाँ, ड्रम ब्रेक वाली है। हाँ हाँ, ये कब का मॉडल है? ये 2019 का मॉडल है। ओके, प्राइसिंग आपको जो वो वेरिएंट का है। हाँ हाँ, वही प्राइस में। अच्छा, तो ऑलमोस्ट आपके पास एक्सेस चारों कलर में अवेलेबल है, जो कि 4 कलर में आती है वही 4 कलर आपके पास अवेलेबल है। Yes. अच्छा, इसका ये सब आपने जो बताया सेकेंड हैंड, तो इसके अंदर लोन हो जाएगा इस पे? जी हाँ, हमारे पास लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप लो डाउन पेमेंट पे। हाँ हाँ, हमारे पास से लो इंटरेस्ट पे, लो डाउन पेमेंट पे
आप लोन करवा सकते हैं। ओके, तो लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या पे करना होगा इनको? आपको डाउन पेमेंट जो है 10,000 पे करना पड़ेगा नॉर्मल बाइक स्कूटीज के लिए, और जो हैवी बाइक रहेंगी जो स्पोर्ट्स बाइक में आती है वो सबके लिए 20,000 तक आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, वैसे आपके पास क्या रेंज, स्टार्टिंग रेंज क्या होती है और अप टू कहाँ तक मिल जाती है आपके पास बाइक? आप अगर स्पोर्ट्स बाइक में जाएंगे तो 1,30,000 1,40,000 तक भी आ जाती है हमारे पास। ओके, और अगर नॉर्मल बाइक्स में गियर वाली में जाएंगे तो 48 से हमारे पास स्टार्टिंग हो जाता है, 48 से 55-58 तक। ओके, और नॉन गियर में अगर जाएंगे तो आपको 35 से स्टार्टिंग मिलके लास्ट 65 तक भी जाता है। ओके, तो आप मुझे थोड़ा आप लोन फैसिलिटी आप जो प्रोवाइड कर रहे हो उसका प्रोसीजर बता दोगे, क्या प्रोसीजर रहता है? एक्चुअली हम लोग जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो पर्सनल फाइनेंस कंपनी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, बीसीएमआई के थ्रू। ओके, और वो जो है आपके आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के बेस पे आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके, लो डाउन पेमेंट पे। फिर आपके पास और कुछ कलेक्शन अवेलेबल है? जी हाँ, मेरे पास ये स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे कम है, लेकिन बाहर मेरे पास, बट फिर भी आप देख सकते हो जैसे कि वसीम भाई बता रहे कि स्पेस कम है, फिर भी आप देख सकते हो कि कितनी इधर बाइक खड़ी हुई है, और इवन ये बता रहे हैं कि बाहर भी इनका स्टॉक रखा हुआ है। तो चलिए बाहर जाते हैं और बाहर भी इनका स्टॉक देखते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी बाहर, हमारे बाहर का स्टॉक देखने के लिए। गाइस आप बाहर का स्टॉक देख सकते हो कि इधर बाहर भी, ये भी आपका स्टॉक आ रखा है पूरा हमारा। ओके, और ये सब भी जो बाइक्स है ये सब भी आपकी है, तो आप देख सकते हो कि कितना स्टॉक इधर जमा है। तो इसमें से अभी आप सबसे पहले किससे स्टार्ट कर रहे हो? मैं अपनी बुलेट 350 से स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, बुलेट भी अवेलेबल है आपके पास 350। ओके, बुलेट के बारे में बता दीजिए थोड़ा। ये बुलेट है रॉयल एनफील्ड 350, बुलेट 350। हाँ हाँ, स्टैंडर्ड एविएशन में आती है ये। अच्छा, और ये गाड़ी एकदम फुल सर्विस गाड़ी है। 2018 अक्टूबर का है। ओके, तो आपके पास KTM भी अवेलेबल है? जी हाँ। ओके, तो KTM भी आपके पास मिल जाएगी? मतलब हमारे पास स्पोर्ट्स की भी सब बाइकें अवेलेबल रहती है, और नॉर्मल बाइकें भी जो रेगुलर यूज में आती है वो भी अवेलेबल होती है। ओके, सकते हो कि इधर व्हाइट में, ब्लैक में, ग्रे में, मैट कलर में, सब में अवेलेबल है। तो आपको इधर स्टॉक तो कंप्लीट मिलने वाला है, इवन आपको हैवी बाइक्स में भी बुलेट मिलने वाली है, KTM मिलने वाली है, आप देख सकते हो FZ, बहुत सारा स्टॉक इधर अवेलेबल है। तो आप इधर विजिट करोगे तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप लोग को एक कलर और इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ एक्सेस का, जो कि नेवी ब्लू कलर में आता है। हाँ हाँ, ये हमारे पास में सबसे लो रेंज की गाड़ी है। अच्छा, 2018 एंडिंग मॉडल है। हाँ हाँ, हमारे पास ये गाड़ी आपको 45,000 में अवेलेबल मिली। अच्छा, तो ये थी सेकेंड हैंड बाइक्स के ऊपर वीडियो। तो वसीम भाई, अगर कोई आपसे ऑल ओवर इंडिया से परचेज करता है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? अगर आप यहाँ से महाराष्ट्र आउट ऑफ मुंबई से अगर कोई परचेस करता है तो उसको हम लोग NOC निकाल के देते हैं। ओके, वो RTO में वो NOC जमा करके जो लोएस्ट चार्ज रहते हैं 300-400 रुपए कुछ चार्ज रहता है ट्रांसफर का, वो RTO को देना पड़ता है उसको, और वो गाड़ी उनको ट्रांसफर करके उनके नाम पे दे देते हैं। ओके, और आपके पास एक्सचेंज ऑफर अवेलेबल है? जी हाँ, अपने पास एक्सचेंज ऑफर अवेलेबल है। ओके, तो आपने जैसे कि लोन का बताया हो कि 10,000 में कोई भी परचेस कर सकता है डाउन पेमेंट भर के, तो वो हो जाएगा ना? जी हाँ। तो वसीम भाई, आप आपके तरफ से क्या ऑफर प्रोवाइड करोगे कस्टमर्स को? मेरी तरफ से आपके व्यूअर्स को, आपके सब्सक्राइबर्स को, जो भी विजिट करते हैं, जो भी मेरी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट सर्विस रहेगी मैं उनको प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो गाइस अगर आप लोग को सेकेंड हैंड बाइक या एक्टिवा परचेस करना है तो आप इधर विजिट कर सकते हो। इधर का नंबर और एड्रेस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप उधर से इजीली विजिट कर सकते हो। हम लोग हमारे पास से जो भी बाइक सेल करते हैं विदाउट ट्रांसफर नहीं सेल करते हैं। अच्छा, आपको ट्रांसफर लेना ही पड़ेगा अपने नाम पे। ओके, वो जेन्युइन कस्टमर की पहचान होती है। हाँ हाँ, अच्छा वैसे मैं वीडियो में नहीं पूछ पाया था, बट आपके पास जो भी कलेक्शन अवेलेबल है वो उसका पार्टी कौन सा है, ओनर कौन सा है? सब फर्स्ट पार्टी है, सब फर्स्ट ओनर। अच्छा, सब फर्स्ट ओनर है। ओके, तो चलो फिर वसीम भाई ये वीडियो को इधर ही एंड करते। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलते हैं बहुत जल्द कोई नई सी वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम बी सेफ एंड हैव फन। पीस आउट।